हमने अपने दिल से बोला उसे याद कम किया करो, मुस्कुराकर बोला वो तुम्हारी सांस है तो सांस ही ना लिया करो। कोई भी शहरों से आके बोलता बिरयानी नहीं खानी, बिरयानी शायद तभी आप बिरयानी खा खा के इस तरह हो गए। फिर आप क्या खाते जब इतनी पतली भी, वो बता दे। गाना जरूर गा, एक दो लाइन सुना। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से। Hey guys, Assalamualaikum. You are watching GTV and I'm your host Trishpu. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोगों से करेंगे गपशप, पूछेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज के प्रोग्राम में दो सवाल मैं लोगों से पूछूंगी। पहला सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही टांग पर खड़ी रहती है। जबकि दूसरा सवाल ये है कि हमारी बॉडी में हमारे बालों और नाखून के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेजान है। Are you comedy me? तो ये है आज के इंटरेस्टिंग सवालात, जानेंगे कि लोगों की कॉमन सेंस किस हद तक काम कर रही है। तो चलिए लोगों से दिलचस्प सवालात पूछते हैं और जानते हैं उनके जवाब। यहाँ पर मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, ये इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सुंदर सरूज। सुंदर, रियली नाइस नेम। सुंदर क्या करती हैं? मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। कौन है ये लोग? तो आज हमें कुछ सुनाएंगी आप? मैं क्या सुनाऊँ, सोचती हूँ ना क्या सुनाऊँ। हाँ सोच रहे, टेक योर टाइम। कोई शेर, कोई सिंगिंग, कोई नाच, कुछ इस तरह जो आपका हिडन टैलेंट। सुना रहती हूँ। चीज़ सुनाएं। हमने अपने दिल से बोला उसे याद कम किया करो, मुस्कुराकर बोला वो तुम्हारी सांस है तो सांस ही ना लिया करो। ये तो वैसे जंग चल रही है आपके अंदर। बहुत अच्छा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ जो हम आज के प्रोग्राम में तमाम लोगों से पूछ रहे हैं। हमारी बॉडी में हमारे बालों और हमारे नेल्स के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेजान है? बेजान है, इतनी गहराई में जाके सोच रही हैं आप? तो सोचना चाहिए ना, अब क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो बंदा सोचता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही जगह पर एक ही टांग पर खड़ी रहती है? एक ही टांग पर खड़ी रहती है, मैं जी नहीं पता। नहीं पता जरा। चले कोई नहीं, अब हम आपसे टंग ट्विस्टिंग करवा लेते हैं। आपने 5 times बॉल कर बताना है कच्चा पपीता पक्का पपीता। 5 times कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। अच्छा, जैसे कि आप इंडिपेंडेंट लड़की हैं, जाते थे कोई मैसेज लड़कियों के लिए? मैं, मेरा एक ही मैसेज है कि लड़कियों के लिए, लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मेरा ये है कि आपका जो दिल चाहता है ना आप वो करो, लोगों के बारे में मत सोचो, वो उनका काम है, बातें करना उन्होंने करनी है, आपके जो दिल में आता ना वो करो बस। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत मैसेज कि जस्ट फॉलो योर हार्ट। लोगों को नहीं सुना, लोग तो बातें करते हैं, लोग तो बातें करते रहेंगे, करें वही जो आपका दिल कहता है। क्या नाम है आपका? अली। अली, यहाँ पर क्या करने आए हैं आप? शॉपिंग करने आए। सच बोलो। किसके साथ? कजन के साथ। शॉपिंग कर ली? अभी कर रहे हैं। अच्छा, अभी कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अमूमी तौर पर लड़कों के हवाले से कहा जाता है कि लड़के जो हैं शॉपिंग को इतना पसंद नहीं करते, लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं। नहीं, लड़के भी करते हैं। प्रैंक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट? कुछ नहीं। कुछ तो होना चाहिए। बिजनेस वगैरह अच्छा कर लेते हैं। चले मैं ना टंग ट्विस्टिंग का आपसे कर लेती हूँ। आपने मुझे 5 times बोल के बताना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वाओ, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बचपन में आपको सजा मिलती थी टीचर से और आपने तब से आपकी प्रैक्टिस हुई है। नहीं, मैंने 1st time सुना है। अच्छा चले। अच्छा, आज के हमारे प्रोग्राम का क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, वैसे कॉमन सेंस कैसी आप? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, अच्छी। ठीक है, अच्छा। चलिए मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हमारी बॉडी में हमारे बालों और नाखून के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेजान होती है? इतना गहरा भी नहीं सोचना। माइंड।
नहीं पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो एक टांग पर ही खड़ी रहती है? जानवर वगैरह का नाम है कोई? चीज है, बेजान है। मान जाए कि आपकी कॉमन सेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। चलें जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कौन है ये लोग? थैंक यू सो मच। तो जी नासिन, आपने सुना कि एक भाई हमारे साथ मौजूद थे, दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स वो नहीं दे सके क्योंकि उनकी कॉमन सेंस इतनी अच्छी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बातें करते हैं और गपशप करते हैं। नासिन, यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सा गोलू मोलू सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? वासिफ। असंभव। वासिफ, कहाँ से आए हो? कराची से। अरे वाह, कराची की कोई खास बात बताओ, कोई मजे की चीज बताओ जो वहाँ की खाने की बहुत ज्यादा मशहूर है। कराची की मशहूर चीज तो सबको पता है, बिरयानी वहाँ की ज्यादा अच्छी होती है। बिरयानी हर कोई जैसे कहते, हर जगह से कोई भी शहरों से आके बोलता है बिरयानी खानी है। बिरयानी कराची की बात करें जाए तो बिरयानी बहुत फेमस है कराची। अच्छा, तो तभी आप बिरयानी खा के इस तरह हो गए। हाँ, फिर आप क्या खाते हो जब इतनी पतली भी, वो बता दें। अच्छा मुझे ये बताओ, बड़ों की क्या बताए? बड़ों की पहले टेंथ तो पढ़ लें, पहले पढ़ तो लें, फिर आगे सोचेंगे। लेकिन होता ना, छोटे होते एक ड्रीम होता है बच्चे का, डॉक्टर बनूंगा। चलो विश यू वेरी गुड लक। किसी को बताओ डॉक्टर बनने का, कहता है आपका पढ़ने का शौक भी नहीं, फिर डॉक्टर कैसे बनेंगे? Oh, no. अच्छा, अब आप इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही हूँ, जनरल नॉलेज के हवाले से। बहुत आसान होंगे। मुश्किल नहीं होंगे ना? नहीं, इतना नहीं होते। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही जगह पे खड़ी रहती है? एक ही जगह पे खड़ी रहती है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे खड़ी रहती है। जैसे कि अलमारी हो गई, जैसे कि टेबल वगैरह हो गई, जिसको चीज़ को हिलाया ना वो तो अपनी जगह पे खड़ी रहती है। नहीं तो हम खुद बनाते हैं ना घरों में, कोई ऐसी जो ऑटोमेटिकली नेचुरली तौर पर एक जगह पे हो। जो हमने नहीं बनाई है। चलो कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। एक ऐसी जैसे कि हमारी बॉडी में हम लोगों के नाखून बाल के अलावा कोई ऐसी चीज़ बताओ जो बेजान होती है? जुबान। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जुबान जो है वो बेजान है, इतनी चल रही है? कभी कभी सोते टाइम नहीं चलती ना, बेजान होती सोते टाइम तो। नहीं 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 नहीं। अच्छा जाते जाते मुझे कुछ सुना दो, कोई पोएम या कोई सॉन्ग। नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता। चलो अपने बेस्ट फ्रेंड या पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहोगे मैसेज? कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा ज़्यादा, मैं किसी से बातचीत ही नहीं करता। मामा को पापा को? मामा पापा को क्या बोलूँ, वो है इतने अच्छे, मामा पापा के बारे में कुछ बोलते हैं पूरी दुनिया उनके लिए, उन्होंने जिन्होंने हमें बनाया है उनके लिए क्या बोले, बस उनके लिए तो दुनिया ही खत्म हो गई, जिन्होंने हमें बनाया उनके लिए क्या बोलूँ। सही पकड़े हैं। थैंक यू सो मच। नासिन बहुत ही क्यूट सा बच्चा था और आपने देखा कि किस तरह से लाहौर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कराची की बिरयानी बहुत पसंद है और जाते जाते किस तरह से उन्होंने अपने लव का इजहार किया, अपने पेरेंट्स के साथ थैंक यू भी कर रहे हैं। तो चलें इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं। गाइस यहाँ पर हमारे साथ कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुकद्दस। आपका? दुआ। आपका? मरियम। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप तीनों बहनें? जी। यहाँ पर क्या करने आई हैं? बेबी को आउटिंग के लिए लेके आए फिलहाल तो। वो बेबी किसका है? मेरा। अच्छा आपका बेबी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रहे, जस्ट इंजॉय करने के लिए हैं? सिर्फ इंजॉय। अच्छा वैसे कहा जाता है कि लड़कियों को शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वैसे अगर पूछा जाए तो आपको कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद है, ज्वेलरी, मेकअप या शूज़? मेकअप। मेकअप वैसे लग भी रहा है जिस तरह से आपने मेकअप किया है ना। अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चे? टू क्लास में पढ़ते हो। अच्छा और आप? सिक्स क्लास में पढ़ते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि बड़े हो के क्या बनने? डॉक्टर। और आपने? मैंने एनिमल डॉक्टर। अच्छा दोनों ने माशाल्लाह डॉक्टर बनना है, ये दोनों आपकी बहनें हैं? ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताओ कि ज़्यादा मामा अच्छी लगती हैं कि पापा? पापा। पापा अच्छे लगते हैं, क्यों? मामा डांटती हैं। अरे कुछ गलतियाँ या शरारतें करती हूँ तो डांट पड़ती है ना। क्या ऐसी वैसी बेल्स बजा कर नहीं भागते घरों की? हाय हाय, इतना सुकून नहीं। पक्की बात है जी? अच्छा वैसे स्कूल जाने को दिल करता है कि छुट्टियां करने को दिल करता है? स्कूल जाने को।
और आपका? स्कूल जाना। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करूँगी। हमारे प्रोग्राम का एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी बॉडी में हमारे नाखून और हमारे बालों के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेजान है? नो आइडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही टांग पर खड़ी रहती है? नहीं आ रहा। चले कोई हिडन टैलेंट अपना बताएं, क्या शौक है, क्या कुछ पोएम या कुछ सिंगिंग कुछ करना चाहोगे आप लोग? आप ये सुनोगे, पोएम सुनाओ। चलो ट्विंकल 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 लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप 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 द व्हाट्स आर द लाइक डायमंड इन द स्काई। वाह नाइस। आप कुछ सुनाना चाहोगे? मैं नाच सुनाए। कर दो करम मोला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम बिखरे हुए शर्म सार है हम रहमत के तलबगार है हम वास्ता नबी का मोला रख लो भरम कर दो करम मोला कर दो करम। सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पढ़ा। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जो कि दिखने से लगता है कि बहुत ही नखरे करती होंगी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब क्या वाकई सच है कि आप नखरे करने वाली लग रही हो? वैसे बस लगती हूँ, करती नहीं हूँ। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या करने आई है? मैं शॉपिंग करने आई। करली शॉपिंग? जी। अच्छा कपड़े जूतियाँ ज्वेलरी मेकअप ज़्यादातर क्या पसंद है, क्या खरीदती? जो अच्छा लग जाए। ज़्यादातर क्या पसंद है? ऐसा है मुझे सैंडल्स बहुत पसंद है या बैग्स। क्या बोला तूने? राइट, हैंड बैग्स भी वैसे लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं। अच्छा इसके अलावा क्या करती हैं? पढ़ती हैं, जॉब करती हैं? मैं पढ़ती हूँ और अभी रिसेंटली कोर्स कम्प्लीट किया, अब एक नया कर रही हूँ। ज़बरदस्त। और गोल्स क्या हैं फ्यूचर के? कुछ बनना है। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी 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 मतलब क्या बनना है, लाइक बीवी बनना है या पायलट बनना है, कुछ बताना? बस इस काबिल बनना है कि अपनी ख्वाहिशात में खुद पूरी कर सकूं। इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली होना। हाँ। ज़बरदस्त, विश यू वेरी गुड लक। अच्छा कोई हिडन टैलेंट आपके अंदर? कोई वैसे आपको देख के तो लग रहा है गाना बहुत अच्छा गाती होंगी आप, या शेर व शायरी आपको बहुत पसंद होगी? शायरी तो नहीं आती, गाना ज़रूर गाती। एक दो लाइन सुना। ट्राई कर लेती हूँ। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। हाय अल्लाह कितनी प्यारी आवाज है, और फीलिंग्स तो कुछ बहुत ही डेंजरस किस्म की है। नहीं बस लाइन्स ये याद आई हैं इसमें। बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। अच्छा हमारे प्रोग्राम का एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी बॉडी में हमारे हेयर्स और हमारे नेल्स के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो बेजान होती है? बेजान होती है मतलब तो नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा कोई ऐसी चीज़ बताएं जो एक ही जगह पर खड़ी रहती है, एक टांग पर? एक टांग पर खड़ी रहती है। आई डोंट नो। कोई बात नहीं, जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी फ्रेंड्स आपकी फैमिली, कोई मैसेज देना चाहें उनको? सिर्फ इतना कि खुश रहिए, जैसे भी हैं जैसे भी हालात हैं जो भी टेंशन्स हैं, जितना सोचोगे उतनी ज़्यादा लगेंगी, इसलिए खुश रहना चाहिए। इसी तरह के और लोगों से मिलते हैं और उनसे करते हैं गपशप और आज के प्रोग्राम के सवाल भी पूछते हैं, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सहरिश। सहरिश क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा ज़बरदस्त। और हस्बैंड क्या करते हैं? आउट ऑफ कंट्री होते हैं जॉब के। आउट ऑफ कंट्री होते हैं, बड़ा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए? ये बहुत मुश्किल। बच्चे हैं? जी। कितने? माशाल्लाह से तीन। तीन बच्चे और सिंगल मदर, आप उनको लुक आफ्टर कर रही हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। रिश्ता कितना मजबूत होता है या वीक हो जाता है जब इस तरह गैप आ जाए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मेरे कज़न भी हैं और मेरे हस्बैंड भी हैं। अच्छा। हाँ? फैमिली में फिर तो
सेम है आप। अच्छा, अपने हस्बैंड की कोई अच्छी आदत और कोई ऐसी नेगेटिव आदत बताएं जो आपको पसंद ना आती हो। एक्चुअली वो बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। दिल धड़काए। तो ऐसी चीज़ तो होगी ना जिससे आप, मैं कहती हूँ कि बस ये चीज़ छोड़ देना, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हूँ उससे। एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री होते हैं, मतलब फिर वो मतलब मुझे भी टाइम देते हैं। ऐसी कोई आदत नहीं ऐसी कि मैं उनसे कहूँ कि आप छोड़ दें। कोई स्मोकिंग नहीं करते, कोई ऐसी बात नहीं है उनके अंदर। डन। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लोग हमें देख रहे हैं, कपल्स को कोई मशवरा देना चाहेंगे कि हम अपनी मैरिज लाइफ किस तरह सक्सेसफुल कर सकते हैं? खासतौर पर लड़कियाँ ज़रा सी बात पर शॉर्ट टेम्पर हो जाती हैं, लड़के भी हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं है। अब जैसे आप 3 बच्चों की माँ हैं और पाल रही हैं और इतनी दूर हुए हैं, फिर भी आप रिश्ते में हैं और आपको कोई गिला नहीं है, तो यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी अपनी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए बहुत अच्छी। यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में आया, लड़कियों को तो शक ही पड़ा होता अपने हस्बैंड पे, किधर हो, क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल पे हो, तो आप किस तरह बर्दाश्त कर लेती हैं? नहीं, एक्चुअली वो सारा दिन ऑफिस होते हैं और मैं बच्चों के साथ बिजी होती हूँ। बार बार वीडियो कॉल करती हैं? बिल्कुल, हाँ जी, ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, मुझे अब जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है वो। हमारी बॉडी में हमारे बाल और हमारे नेल्स के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेजान है? बेजान है, मेरा बेटा बताएगा, बताएं। बेजान है बॉडी, बाल और नेल के अलावा? नहीं आ रहा जनाब। जाते जाते अपने हस्बैंड को कोई मैसेज देते हैं? मैं उनको यही कहूँगी, आई लव यू। कैसा लगा मेरा मजाक? थैंक यू सो मच। तो जी जनाब, आपने देखा कि ये वाइफ कितनी अच्छी थी और हस्बैंड बाहर हैं, 3 बच्चों को अकेला यहाँ पे संभाले, कोई गिला शिकवा नहीं है। मजीद मिलते लोगों से, आगे बढ़ते हैं, तो एक करते हैं गपशप। नासिन, आज के प्रोग्राम को मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। नासिन, आज का जो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक टांग पे खड़ी रहती है, उसका जवाब है दर्द। जबकि दूसरा सवाल हमने पूछा था कि हमारे नाखून और बालों की तरह हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बेजान रहती है, तो उसका जवाब है जनाब हमारे दांत। और इस प्रोग्राम में किसी ने भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। जवाब हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो उसको लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।